बिहार के मुंगेर में कपल का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। पुलिस ने इसे मर्डर के बाद सुसाइड की घटना बताया है। इस घटना में पहले प्रेमी मोहम्मद आशिफ ने अपनी प्रेमिका रिया की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। इससे मौके पर ही उसकी भी मौत हो गई। बता दें कि इस हाई प्रोफाइल मामले में मारी गई लड़की मुंगेर के राजद विधायक की भतीजी है, जबकि आशिफ उसका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। बॉयफ्रेंड की गोलियों का शिकार हुई रिया मुंगेर के राजद विधायक के परिवार की है। रिया के चाचा विजय कुमार विजय मुंगेर से राजद के विधायक हैं। हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से मृतकों के परिजन इसे मीडिया के सामने शेयर नहीं कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार रिया और आशिफ पिछले 3 सालों से एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में थे। दोनों कोटा में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। दोनों कोटा से 1 साल पहले ही वापस मुंगेर आए थे। इसके बाद रिया दिल्ली में मेडिकल की तैयारी के लिए चली गई और लड़का लखनऊ में जाकर तैयारी कर रहा था। रिया के घर वालों के मुताबिक 3 महीने पहले उसकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद वो वापस घर मुंगेर आई थी। वहीं आसिफ भी कुछ दिन पहले ही एक शादी में शामिल होने के लिए मुंगेर आया हुआ था। इसके बाद ही ये दर्दनाक घटना सामने आई है। न्यूज़ डेस्क।